Welcome or welcome back, champions. Today we will solve question number 2 of exercise 2.2. So let's begin. Our question is find a quadratic polynomial. हमें एक quadratic polynomial find करनी है. Each with the given numbers and sum and product of zero. So हमें क्या given है question में? Sum given है and product given है. So our first part is 1 upon 4 and minus 1. और question के according जो 1 upon 4 है ये sum है, means alpha और beta अगर हम 0 suppose करते हैं तो इनका sum है 1 upon 4 and product that is alpha into beta क्या given है? Minus 1 given है. अब हमें find क्या करना है? Quadratic polynomial find करनी है. So quadratic polynomial find करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड या सिंपल सा फॉर्मूला होता है. जब सम और प्रोडक्ट गिवन होता है क्या होता है वो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें? 1/4 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1. Now see, जब भी हम quadratic polynomial बनाते हैं तो इसमें हम denominator नहीं लेते हैं. क्यों? अगर हमारी जो quadratic polynomial की general form है, what is it? ax square plus bx plus c. तो इसमें कहीं भी denominator नहीं है. Now what we'll do? इसका denominator क्या है? यहाँ पर 1 suppose कर लो, अगर कुछ नहीं given है तो इनका LCM लेंगे. What will be LCM of 1, 4 and 1? 4 आएगा. जो LCM आ गया हमें क्या करना है? हर टर्म को उससे मल्टीप्लाई करना है. सो 4 इन ब्रैकेट x स्क्वायर अपॉन 1 और x स्क्वायर लिख लो -1/4x प्लस माइनस माइनस 1. अब 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस. अब जब 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1. सो 1x को x लिख लेते हैं. Then 4 ones are 4 or plus minus minus. So required quadratic equation kya aa gayi? 4x square minus x minus 4. Ab iska second part solve karte hain. So our second part is root 2 and 1/3. First wala term kya hai? Sum, that is alpha plus beta. Ya likh lo sum of zeros root 2. Second one given hai hame product. Product likh lo ya aap alpha into beta mention kar sakte ho, that is 1/3. अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है? रूट टू. सो रूट टू इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1/3. सो 1/3. Now see, अब हमें ना इसमें denominator नहीं चाहिए होता है. So denominator is 3 here. यहाँ पे 1/1 suppose कर लोगे और LCM लोगे तो 3 ही आएगा. अब उस LCM से we need to multiply this whole quadratic equation. So minus root 2x plus 1/3. इसको multiply करते हैं. 3 into x square will give us 3x square minus 3 into root 2, 3 root 2 x plus 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा सो प्लस 1. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस 1. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज 0 एंड रूट 5. सम क्या गिवन है हमें? 0. प्रोडक्ट क्या गिवन है हमें? रूट 5. एंड हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज 0 ब्रैकेट में इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज रूट 5. सो रूट 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 0x, या आप इस टर्म को स्किप भी कर सकते हो, देन प्लस रूट 5. एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर कंफ्यूजन होती है ऐसे तो इसको इसी टर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इनटू एक्स प्लस रूट 5. ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इट्स अप टू यू. अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. नाउ फोर्थ पार्ट इज 1, 1, दैट इज सम इज गिवन टू अस 1 एंड प्रोडक्ट इज आल्सो 1. तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? 1.
सो 1 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हम 1 कोफिशिएंट को नहीं भी लिखते हैं, सो दैट्स आल्सो ओके, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो नाउ फिफ्थ पार्ट इज माइनस 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4, सम क्या गिवन है हमें माइनस 1 अपॉन 4, प्रोडक्ट क्या गिवन है हमें 1 अपॉन 4, सो इसको अब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में. व्हाट इज अ फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा, सो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस 1 अपॉन 4, सो माइनस 1 अपॉन 4 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1 अपॉन 4. नाउ सी इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, एलसीएम लोगे 4 और 4 का तो 4 ही आएगा, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 x प्लस 1 अपॉन 4. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स अस 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा x, अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो सिक्स पार्ट इज सम ऑफ जीरोस के गिवन है हमें 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन टू अस 1. Let's put these values in the formula. X square minus sum of zeros are 4. So 4 into x plus product of zeros is 1. So 1. So x square minus 4x plus 1 is your required answer. Here our question is completed. Thanks for watching.